के दरमियान वो मौजूद हैं। एक बड़ी तादाद में कारकुन इस वक्त सवाबी में मौजूद हैं और आपको बताएं कि अब से कुछ देर कबल हेलीकॉप्टर के जरिए दीगर पीटीआई के वुजरा के हमरा वो मौजूद थे और अभी आप देख सकते हैं कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक जिस स्टेज पर मौजूद थे वो स्टेज टूट गया है, ताहम वो बाहिफाजत हैं और जिस जगह वो ट्रक पर खड़े थे वहां पर कारकुनों का लहू गरमा रहे थे। पश्तो जबान में उनका ये कहना था कि हम जमहूरियत चाहते हैं, हमारी लड़ाई हुकूमत से है, हम उम्मीद करते हैं कि इमरान खान जरूर कामयाब होंगे, हमने इस्लामाबाद बंद नहीं किया, हमने बनीगाला को नहीं ब्लॉक किया, हुकूमत ने किया है, हुकूमत ने पहले ही लॉकडाउन कर दिया है, ये कहना है वजीर आला परवेज खटक का। आपको बताएं कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक अब से कुछ देर कबल पीटीआई के दीगर रहनुमाओं के हमरा सवाबी पहुंचे थे और हेलीकॉप्टर के हमरा वो पहुंचे थे, हेलीकॉप्टर के जरिए वो दीगर पीटीआई के वुजरा के हमरा सवाबी पहुंचे थे, मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, मीडिया नुमाइंदे थे, कारकुनों का लहू गरमा रहे थे। पश्तो जबान में उन्होंने उनका लहू गरमाया और कहा कि इमरान खान जरूर कामयाब होंगे, हम जरूर कामयाब होंगे, हम जमहूरियत चाहते हैं, हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ हुकूमत से है और हम उम्मीद करते हैं कि हम ही कामयाब होंगे। ताहम आपको ये बताएं कि जिस जगह वो खड़े थे ट्रक पर थे वहां पर वो कारकुनों का लहू गरमा रहे थे और वो ट्रक अचानक से जिस जगह वो खड़े थे वो गिर गया और ताहम वो बाहिफाजत है।